हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे एक हाईटेक शेयर के बारे में। हाईटेक इसलिए है कि ये वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनी में टेक्नोलॉजी में आती है। वर्ल्ड की टॉप 500, आप सोच सकते हैं। ये कंपनी एआई के सेक्टर में भी काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में भी। कंपनी में आज अपर सर्किट लगा हुआ है 5% का, और एमओ ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं। आप इस कंपनी को स्टडी करके शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकते हो, जो कि एक तरह की मोनोपोली कंपनी है। पूरे भारत में काफ़ी हाईटेक कंपनी है। कंपनी करती क्या है? कंपनी हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस देती है। मतलब हम लोग जो नॉर्मल पीसीज और कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, उससे कई गुना मल्टीपल टाइम्स फास्टर एंड बेटर कंप्यूटर्स, ये स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स बनाती है। जैसे कि डिफेंस के लिए हो गए, बड़ी लैब्स के लिए हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए हो गए, ये कंप्यूटर बनाती है जो कि ऑर्डिनरी लोग ले नहीं सकते। बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं इनके कंप्यूटर्स। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस भी देती है। जो कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो कंप्यूटर्स भी ये कंपनी बनाती है। प्लस क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भी जो कंप्यूटर्स लगते हैं, वो कंप्यूटर्स भी कंपनी बनाती है, और क्लाउड सॉल्यूशंस भी कंपनी देती है। तो टोटली एकदम ही हाईटेक कंपनी है, और इनका जो कंप्यूटर्स है वर्ल्ड के टॉप 500 हाईटेक कंप्यूटर्स में आ चुके हैं। टॉप 10 में 10 टाइम्स आ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं पोटेंशियल कितना ज़बरदस्त है इस कंपनी में। कंपनी का आज का रेट था 1393 रुपीज़, एंड 52 वीक हाई था 1396 रुपीज़। सिर्फ 3 रुपये पर ब्रेकआउट है। कल अपर सर्किट लगेगा तो कल ब्रेकआउट हो जाएगा इस शेयर में। पी है 160 का। अब आप सोचोगे पी इतना ज़्यादा क्यों है, तो ये फ्यूचरिस्टिक कंपनियों के पी ज़्यादा ही होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ओलेटा ग्रीनटेक का हो गया, केपीआरटी टेक्नोलॉजीज़ का हो गया, वैसे ही ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो इसका पी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। आरओसी है 65%, जो कि एकदम ज़बरदस्त है। आरओई है 68%, दोनों भी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.03, कंपनी डेट फ्री है। प्रोमोटर होल्डिंग है 75%, एफआईआई का होल्डिंग है 10%, और डीआईआई का होल्डिंग है 7.50%। आप सोच सकते हैं इस कंपनी में एफआईआई डीआईआई का भी होल्डिंग कितना बड़ी मात्रा में। पब्लिक के पास बचा है सिर्फ 6%। कंपनी के रिजल्ट भी शानदार आते हैं। 9 करोड़, 5 करोड़ एंड 15 करोड़ क्वार्टर 3 के रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट धमाकेदार आने की उम्मीद है। इस चक्कर में ही शेयर में लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं, और कल ब्रेकआउट हो जाएगा तो शेयर और भी तेज़ी से ऊपर जा सकता है। कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, NETWEB, नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि अगस्त 2023 में ही भारत के स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। कंपनी एकदम इनोवेटिव है, और इसके रिजल्ट भी लगातार अच्छे आने की उम्मीद है। ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग है। इस कंपनी को स्टडी करके आप एमओ ऑर्डर लगाने के बारे में सोच सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।